तो जैसा कि दोस्तों हमारे साथ जो है अभी एलएन के स्टूडेंट है, यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत डिसिप्लिन होती है। जो भी सर लोग पढ़ाते हैं, बहुत जगह सुनने में आता है फिजिक्स अच्छा होता है तो केमिस्ट्री का मतलब टीचर दब होते हैं, अगर केमिस्ट्री का टीचर अच्छा होते हैं तो बायोलॉजी का टीचर दब होते हैं, ऐसा यहाँ पे सिस्टम है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स ऐसे सभी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, खास करके बहुत सारे टीचर्स हमारे कोटा से भी आए हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो इट इज अ वेरी गुड फैकल्टी। एंड चलिए, जो बिगनर स्टूडेंट होते होंगे उनके लिए कोई एक्स्ट्रा टीचर है? हाँ, ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता है उन लोग के लिए डाउट सेशंस होते हैं, तो वो लोग डाउट में रह सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी करना है तो वो लोग सेल्फ स्टडी में भी जाके कर सकते हैं। डाउट सेशन में जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं वही टीचर डाउट सॉल्व करते हैं या उसके लिए दूसरा टीचर है? उसके लिए वो टीचर भी कर सकते हैं, मतलब जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे कर सकते हैं, आपको अपने टीचर से एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि नहीं? या उनका रेगुलर क्लास ही रहेगा तो फिर वो टाइम कैसे? नहीं, वो लोग डाउट के बाद भी वो लोग बहुत देरों तक, मतलब सबको स्लॉट अलॉटेड होता है टाइम, और उस टाइम पे आके सबको ही अपना समय देते हैं और पढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमारे साथ जो है एलएन के स्टूडेंट है, बात किया जाए अभी जो सेशन चला क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से आगे प्लान आउट करना है अपना स्टडीज, दो साल जो हमारा क्रूशियल ईयर है किस तरीके से उसको प्लान आउट करके मेंटर्स की मदद से हम उसको कर सकते हैं, बहुत कुछ सर हमें बताए हैं। सबसे अच्छा स्पीच किनका लगा उतना देर सेशन में, एक तरह से बोला जाए? सर सबका अच्छा था, सबका अलग अलग पॉइंट था, मतलब सबसे एक होता है ना सबसे बेस्ट, वो कौन जो स्पीच देने में बहुत ज्यादा बेस्ट मतलब निकला? आप देखा जाए तो सारे ही अच्छे थे, बट जो हमारे ब्रजेश सर है वो ज्यादा अच्छे से बताए थे, पर ऐसा नहीं है, जितने भी थे सबका अलग अलग पॉइंट था, सब अच्छा ही बोले। आप दो महान पर्सनालिटी के बीच में नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, ठीक है, दोनों के वैलिड पॉइंट्स थे, दोनों ही अपना बेस्ट बोले और दोनों की बातें ही मोटिवेट की। बात किया जाए सेमिनार में मोटिवेशन मिला, एजुकेशन के पर्पस से क्या सीखने को मिला? पूरा तो एजुकेशन ही है, मोटिवेशन तो मिला, एजुकेशन मतलब वो आप लोग को जागरूकता कर दी, आप लोग मेहनत पड़ी है, लेकिन कैसे तैयारी करना चाहिए उसके बारे में सर क्या सीखा? उसके बारे में हमें टाइम टेबल के बारे में बताया गया, हमें किस तरीके से प्लान आउट करना है वही बता सकते हैं ना, पढ़ाई तो हमारे टीचर्स मेंटर्स हमें कराते ही हैं। बात किया जाए क्लास कैसे चलता है, अच्छा चलता है कि नहीं? क्लास तो A1 चलता है, डिसिप्लिन वाइज, मेंटर वाइज, टीचर्स दे आर द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा होता है, मतलब कि टीचर्स लोग अपना पूरा देते हैं एफोर्ट, बस स्टूडेंट को अपना एफोर्ट लगाना होता है तभी वो लोग सक्सेस हो सकते हैं, टीचर्स अपना बेस्ट रोल प्ले करते हैं। बात किया जाए सर लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं कि? हाँ, प्रैक्टिकल देते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं, मतलब जितना स्टूडेंट को नीड होता है सक्सेस होने के लिए वो सारा चीज प्रोवाइड किया जाता है एलएन में। इधर भी सभी स्टूडेंट लोग आइए जानते हैं पढ़ाई कैसा होता है एलएन में? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप लोग मतलब कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? हम लोग आशियाना दीघा। क्या जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं? हाँ देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हर चीज, मतलब कि हर एक बच्चे पे ध्यान भी देते हैं कैसे पढ़ाना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है, हर सब्जेक्ट को बारीकी से बताते हैं सब कुछ, मतलब हर एक छोटा छोटा। यहाँ पे भी एलएन के स्टूडेंट गोला खा रहे हैं लोग, अभी सेमिनार आप लोग देखे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लाइफ में पता नहीं अब कब देखेंगे, लेकिन नीट निकालना है, नीट फोड़ना है और फिर से सब देखना है हम लोग को प्रोग्राम। ऐसा सेशन मतलब खास करके पटना में देखने को मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर कहना कि एलएन में आके इतना खुशी मिल रहा है कि एलएन के वजह से महसूस हो रहा है एलएन में आके कि हम लोग एलएन के स्टूडेंट, अगर एलएन में नहीं आते तो ये कभी मौका मिलता ही नहीं, इतने बड़े आदमी से मिलना ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, और इतना मोटिवेट हुए कि आप जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में करेंगे, बड़ा नहीं तो बड़ा छोटा तो करेंगे। बहुत जगह सुनने में आता है फिजिक्स का टीचर अच्छा है तो केमिस्ट्री का टीचर दब है, तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम है? बिल्कुल, हम लोग के टीचर बहुत गजब है, हम लोग के इमोशंस को समझते हैं। जो स्टूडेंट अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग के व्यू से आएंगे उनका रिजल्ट हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो मेहनत किए तो ऑनेस्ट रहे तो उन जरूर सफल होंगे, जरूर उनको अपने मेहनत का फल मिलेगा। सर जो अच्छा होता है ना उसके लिए वो, हम लोग एलएन में आके बहुत खुश हैं क्योंकि टीचर लोग हमारे फिजिक्स के टीचर जो है प्रणब सर वो बहुत अच्छे हैं, और हम लोग के केमिस्ट्री के टीचर प्रकाश तिवारी सर, और फिजिक्स के टीचर रजत सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग के फीलिंग्स को समझते हैं, कभी मतलब कि होता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, अगर एक बार नहीं समझ में आए तो चार बार समझाते हैं, फिर भी हम लोग के इमोशंस का बहुत
अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसीलिए सारे सर को मेरे तरफ से तो थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों अभी सेमिनार खत्म हुआ है और एलएन का सभी स्टूडेंट लोग आइए जानते हैं एलएन में पढ़ाई कैसा होता है, एलएन में तैयारी कैसा? बहुत अच्छी। आपके जो भी टीचर फैकल्टी है कैसा पढ़ाते हैं? क्या जो भी टीचर फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल बताया जाता है कि नहीं? क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी हैं, लो आइए जानते हैं पढ़ाई कैसा होता है यहाँ। बहुत अच्छा। जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ट्रीट भी अच्छे से करते हैं सर। हर सब्जेक्ट का अच्छा तैयारी होता है? हाँ हाँ, आप तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा।